हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसके अंतर्गत हम यह देख रहे हैं कि यदि कोई ठेका किसी लेखा वर्ष के अंत तक पूर्ण नहीं होता है तो उस ठेके से संबंधित लाभ की कितनी राशि लाभ हानि खाते में क्रेडिट होगी। आज हमारा टॉपिक है यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 से कम है तो ऐसी स्थिति में लाभ हानि खाते में कितनी राशि क्रेडिट होगी। यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 25% से अधिक लेकिन 50% से कम है तो ऐसी स्थिति में लाभ की राशि का 1/3 भाग लाभ हानि खाते में क्रेडिट होगा और शेष राशि को हम संभावित हानियों के लिए रिजर्व में रखेंगे। इससे संबंधित इलस्ट्रेशन है। 1 जुलाई 2017 को रमन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने एक होटल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसका ठेका मूल्य 10 लाख रुपए है। कंपनी का वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2018 को समाप्त हुआ। उस दिन स्थिति इस प्रकार, मटेरियल है 1,20,000, वेजेज 1,40,000, प्लांट 20,000, अदर एक्सपेंसेस 6,000, मटेरियल एट साइट 4,900, प्लांट एट साइट 16,000, वर्क अनसर्टिफाइड 8,000 और वर्क अनसर्टिफाइड है आपका 2,88,000। और आपको इसमें ठेका खाता बनाना है और साथ ही यह बताना है कि अर्जित लाभ में से कितनी राशि लाभ हानि खाते में क्रेडिट की जाएगी यदि प्रमाणित कार्य का 80% नगद प्राप्त हो गया है। तो अब हम सबसे पहले बनाते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए हमें पता है कि डेबिट साइड में सभी एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं तथा क्रेडिट साइड में ठेके के अंत तक जो बचा हुआ है उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो देखिए आप, मटेरियल कितना है 1,20,000, तो मटेरियल लिखा हमने 1,20,000। वेजेज कितना है 1,40,000, तो वेजेज लिखा है 1,40,000। प्लांट कितना इशू हुआ है 20,000 का, तो हमने लिखा है प्लांट 20,000। अदर एक्सपेंसेस है आपके 6,000 के, तो हमने लिखे अदर एक्सपेंसेस 6,000 के। मटेरियल एट साइड कितना बचा हुआ है 4,900 का, तो हमने लिखा बाय मटेरियल एट साइड 4,900। प्लांट एट साइड कितना बचा है 16,000 का, तो लिखा है बाय प्लांट एट साइड 16,000। उसके बाद क्योंकि हम ये क्वेश्चन अल्टरनेटिव मेथड से सोल्व कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में हम लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, तो हमने लिखा बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 8,000 और वर्क सर्टिफाइड है 2,88,000, तो हमने लिखा है वर्क अनसर्टिफाइड कितना 8,000 और वर्क सर्टिफाइड 2,88,000। उसके बाद क्रेडिट का टोटल करके उसमें जब हमने डेबिट का टोटल लेस किया तो हमारे टोटल पी एंड एल निकला है 30,900। ये टोटल पी एंड एल में से हमें लाभ हानि खाते में कितनी राशि क्रेडिट करनी है यह देखने के लिए पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देख लेते हैं, प्रमाणित कार्य वर्क सर्टिफाइड कितना है 2,88,000, तो ये 2,88,000 और ठेका मूल्य कितना है अपना 10 लाख रुपए, तो 2,88,000 बटे 10 लाख इंटू 100, तो ये हमारा निकला है 28.8%, जो 25% से तो अधिक है लेकिन 50% से कम है। इसका मतलब हम लाभ हानि खाते में 1/3 अंश क्रेडिट करेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पर टोटल पी एंड एल को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं और लिखा हमने बाई टोटल पी एंड एल 30,900। अब इसमें से निकालना है अपन को 1/3। फॉर्मूला आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, नोशन प्रॉफिट आपका कितना है 30,900 इंटू 1/3। 1/3 भी आपको पता चल गया है कि 1/3 हमने क्यों लिया है, इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, तो कैश रिसीव्ड कितना हुआ यहाँ पर प्रमाणित कार्य का 80%, तो कैश रिसीव्ड कितना हो गया 80 और प्रमाणित कार्य कितना हो गया 100। इस तरह से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो 80,240 रुपीज हम लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर देंगे और शेष राशि को हम वर्क इन प्रोग्रेस मतलब संभावित हानियों के लिए रिजर्व रख लेंगे। अगला टॉपिक है यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के
50% से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में लाभ हानि खाते में कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी? यदि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 50% से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में लाभ का 2/3 शेयर लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है और शेष को संभावित हानियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसको कैसे निकालते हैं? वही टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इससे संबंधित इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक भवन निर्माण फर्म ने ठेका लिया। 31 मार्च 2018 को स्थिति इस प्रकार थी। मटेरियल सप्लाई 3,75,000, अनयूज्ड मटेरियल 15,000, वेजेज पेड 4,37,500, वेजेज एक्रूड 62,50, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,750, कॉस्ट ऑफ प्लांट 62,500, प्लांट एट साइट 50,000, कैश रिसीव 6,75,000, वर्क सर्टिफाइड 9,00,000, वर्क अनसर्टिफाइड 25,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपकी 15,00,000। आपको बनाना है ठेका खाता और लाभ हानि खाते में क्रेडिट की जाने वाली राशि। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को हम। तो देखिए क्वेश्चन, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम देखते हैं डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो एक्सपेंसेस देख लेते हैं। मटेरियल सप्लाई 3,75,000, तो हमने लिखा है टू मटेरियल सप्लाई 3,75,000। उसके बाद अनयूज्ड मटेरियल बचा हुआ है, ये बाई साइड में जाएगा, तो हमने लिखा है बाई अनयूज्ड मटेरियल 15,000। उसके बाद वेजेज पेड, वेजेज एक्रूड, तो वेजेज पेड और वेजेज एक्रूड, तो टू वेजेज 3,37,500 और टू वेजेज एक्रूड 62,50। उसके बाद अगला देखते हैं हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,750, तो हमने लिखा टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,750। अगला है कॉस्ट ऑफ प्लांट 62,500, तो हमने ये लिखा है कॉस्ट ऑफ प्लांट 62,500। उसके बाद अगला है प्लांट एट साइड 50,000, तो हम इसे बाई साइड में लिखेंगे, बाई प्लांट एट साइड 50,000। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड है आपका 9,00,000, वर्क अनसर्टिफाइड है 25,000, जिसे हम WIP के नाम से लिखेंगे, तो हमने लिखा बाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड आपका 9,00,000 है, वर्क अनसर्टिफाइड आपका 25,000 है। अब हम करते हैं टोटल क्रेडिट साइड का, जब हमने टोटल किया है तो आया है 9,90,000 और डेबिट साइड का जब टोटल किया है तो आया है 9,00,000। अब हम क्रेडिट साइड के टोटल में से जब डेबिट साइड का टोटल लेस करते हैं तो हमारे टोटल P&L निकलता है 90,000। अब ये जो 90,000 की राशि है, इसमें से लाभ हानि खाते में कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी? यह देखने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो प्रमाणित कार्य कितना है अपना 9,00,000 और ठेका मूल्य कितना है 15,00,000। तो निकालते हैं 9,00,000/15,00,000 इंटू 100, तो ये निकला है 60%, जो 50% से अधिक है। इसका मतलब लाभ की राशि का 2/3 भाग लाभ हानि खाते में क्रेडिट होगा। अब हम P&L को ट्रांसफर कर देते हैं बाय साइड में, तो बाय टोटल P&L कितना 90,000। अब इसमें से 2/3 राशि को हम लाभ हानि खाते में क्रेडिट करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपका है टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो देखते हैं यहाँ पर टोटल P&L आपका कितना है 90,000। 2/3 आपको पता चल गया है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रमाणित कार्य ठेके मूल्य का 50% से ज़्यादा है, इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड कितना है, कैश रिसीव्ड है 6,75,000 और वर्क सर्टिफाइड कितना है 9,00,000। तो यहाँ लिखते हैं हम कैश रिसीव 6,75,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड 9,00,000। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अमाउंट निकलेगी 45,000। इसका मतलब 45,000 की राशि को हम लाभ हानि खाते में क्रेडिट करेंगे और शेष राशि को हम WIP मतलब संभावित हानियों के लिए रिजर्व रख लेंगे। थैंक यू।